वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। अगर आपको ध्यान में होगा, हम लोग लेटर्स का चैप्टर कर रहे हैं। इस लेटर्स के चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक लेटर कंप्लीट कर दिया था। अब आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास फुलस्केप है, फुलस्केप में आपने तीन साइड का बॉक्स बनाया है, दो लाइन छोड़ के। बॉक्स के अंदर दूसरी लाइन में आपने सेंटर लाइन बनाई है और बॉक्स के अंदर दोनों तरफ दैट इज लेफ्ट एंड राइट साइड में आपने मार्जिन ड्रॉ किया हुआ है। हल्के हाथों से मार्जिन बनाया है क्योंकि उसको बाद में हम इरेज कर देंगे। ओके, आज जो लेटर हम प्रिपेयर करने वाले हैं उस लेटर में रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट है। तो प्रिंटेड बुक साइड बाय साइड में पेज नंबर 121 ओपन कर ले। पेज नंबर 121 रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। बॉक्स के ऊपर जो दो लाइन खाली छोड़ी है उसमें पहली लाइन में हेडिंग देना रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। पहली लाइन में हेडिंग देना रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, बॉक्स के ऊपर जो दो लाइन खाली छोड़ी है, ठीक है। इस तरह से देख, पहली लाइन में आ जाएगा रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। उतना हेडिंग हो जाने के बाद अब ध्यान देना, डिपॉजिटर डिपॉजिट के रूप में कंपनी को उधार पे पैसा देता है। डिपॉजिट इज बोरोड कैपिटल। डिपॉजिटर ने लमसम अमाउंट, लाख रुपया, दो लाख रुपया, पांच लाख रुपया, लमसम अमाउंट वो कंपनी को उधार पे देता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जिसके ऊपर कंपनी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। किसका पेमेंट करती है? इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, जो उसको रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहता है। डिपॉजिट मिनिमम पीरियड 6 मंथ्स है, कंपनी 6 महीने के लिए लेती है, और मैक्सिमम पीरियड 3 साल यानी कि 36 मंथ्स है। जब कभी भी पीरियड खत्म हो जाता है, पिछला लेटर अगर आपको ध्यान में होगा हमने थैंक यू का लेटर बनाया था, बराबर है, उसमें डिपॉजिटर ने कंपनी को 2 साल के लिए पैसा दिया था। जाहिर बात है जब ये 2 साल पूरे हो जाएंगे तो दो रास्ते हैं, क्या तो कंपनी उसको पैसे वापस रिपे करेगी, अदरवाइज रिन्यू करेगी फॉर फर्दर पीरियड। क्या करेगी? रिन्यू करेगी। क्या करेगी? रिन्यू फर्दर पीरियड के लिए। कंपनी जब कभी भी डिपॉजिट का रिन्यूअल करती है तो नियम के अनुसार उसे डिपॉजिटर से फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल, फ्रेश अप्रूवल, क्योंकि डिपॉजिटर अगर अप्रूव करेगा कि हाँ रिन्यू कर दो तो ही कंपनी रिन्यू करेगी, नहीं तो कंपनी उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। यहां पर लेटर में हम रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट जो कर रहे हैं, यहां पर डिपॉजिटर ने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है कि वो उसके डिपॉजिट को फर्दर 2 साल के लिए रिन्यू कर दे, और उसी रिन्यूअल का लेटर है, ठीक है। बॉक्स के अंदर एक लाइन छोड़ करके कंपनी का नाम सेंटर में फुल कैपिटल, और उसके नीचे देख एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस 24 डायमंड हाउस नरीमन पॉइंट मुंबई 400021। काल्पनिक नाम और एड्रेस, जैसा पिछले लेटर में किया वैसा ही इसमें भी करेंगे। और उसके नीचे CIN यानी कि कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर 21 डिजिट का है, यहां पर किया है, ठीक है। एक लाइन छोड़ करके चलो तैयार करो फटाफट, एक लाइन छोड़ के बॉक्स, हाँ बॉक्स के अंदर एक लाइन छोड़ के सेंटर लाइन जो आपने ड्रॉ करी इधर, ये देखो इस तरह से सेंटर में फुल ब्लॉक लेटर में कंपनी का नाम और उसके नीचे एड्रेस, और एड्रेस के नीचे CIN।
जितना बोलू उतना करते जाना। ओवरराइटिंग नहीं, कैंसलेशन नहीं, बराबर है। पिछले लेटर में अगर आपकी कोई गलती हुई है तो आप देखेंगे कि इस लेटर में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर लेटर में थोड़ा सा बेहतर करते जाएंगे, बेहतर करते जाएंगे, कुछ नई चीजों को जोड़ते जाएंगे अपन, ठीक है ना। नए नए तरीके सिखाते जाऊंगा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स में। यहां तक सभी लोग का फिनिश हो जाए तो बताना। Everybody finish? Yes, madam. अब एक लाइन छोड़ करके लेफ्ट मार्जिन में आएगा टेलीफोन नंबर। एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर मैंने आपको कहा था देना है, काल्पनिक नंबर है, कोड यानी कि एसटीडी कोड के साथ लेफ्ट मार्जिन टेलीफोन नंबर। हाँ जी, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में टेलीफोन नंबर 02-7676-8282। ये मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं है, काल्पनिक नंबर है। 8 डिजिट देना है अपनी मर्जी से, दे देना फोन नंबर का। सेम लाइन में राइट हैंड साइड में ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल एड्रेस कंपनी का, सेम लाइन में जिस लाइन में टेलीफोन नंबर लिखा है उसी लाइन में राइट हैंड साइड में ईमेल आईडी, diamond@gmail.com diamond@gmail.com इस तरह से लिखेंगे वो मार्जिन लाइन पे। ये क्या प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं तो कहां पे खत्म होगा। अगली ही लाइन में बिना लाइन छोड़े, अगली ही लाइन में लेफ्ट मार्जिन में रेफरेंस नंबर, DIL। अरे सर ये तो दिल हो गया। DIL स्टैंड फॉर डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड। फिर उसके बाद स्लैश कर दे, स्ट्रोक कर दे, ओब्लिक कर दे, जो कहे, स्लैश करके एक संख्या, एक नंबर। सर 776 यानी कि 776 नंबर का लेटर है DIL 776। सेम लाइन में राइट हैंड साइड कर देगा ऐसा, एक लाइन ही तो खींचना है। मतलब सवाल कुछ ऐसे होने चाहिए जिसका कुछ लॉजिक हो। तू सुलभ शौचालय जैसे सवाल पूछ जिसमें पानी डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।
अगली बार पूछा है बाहर निकाल दूंगा। स्लैश करना भूल गया रे, कल लाइन खींच देना। चलिए अब इसके बाद में यहां पर आएगा डेट, बराबर है। अब डेट जो है ना उसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं, ओके। 2019 दिया है उसको हम लोग 2020 कर देंगे। डेट क्या दिया? 22nd मार्च। यस सर, 22nd मार्च 2020, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ करके लेफ्ट हैंड मार्जिन में आएगा इनसाइड नेम एंड एड्रेस। हाँ, एक लाइन छोड़ के देख, ये जो पत्र पिछला वाला जो लेटर था उसमें काल्पनिक नाम और एड्रेस में हमने राठौड़ को चिट्ठी भेजी थी, मेल था, इसमें फीमेल है, बराबर है। मिस आशी सेम, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में ठीक है। गुलमोहर अपार्टमेंट, ये देख मैं तीसरी लाइन में ही फिनिश ऑफ कर रहा हूं। कैसे फिनिश ऑफ कर रहा हूं देख, अंधेरी वेस्ट मुंबई, मैंने पूरी की बजाय लास्ट का तोड़ी 50 है, ठीक है। इसके बाद सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट लाइन, तेरे को पिछला लेटर याद है? पिछले लेटर में सैल्यूटेशन पहले था और सब्जेक्ट लाइन बाद में था, तभी मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट लेटर में सब्जेक्ट लाइन पहले और सैल्यूटेशन, वो वाला भी सिखाऊंगा आज, वही सिखाने वाला हूं, सैल्यूटेशन बाद में सब्जेक्ट लाइन पहले। तो तू कुछ मत कर, इधर देख, सैल्यूटेशन क्योंकि महिला को भेज रहे हैं इसलिए मैडम होगी, ठीक है ना। सर लेकिन आपने तो बोला सब्जेक्ट लाइन पहले लिखना है और सैल्यूटेशन, आपने फिर सैल्यूटेशन पहले, मैंने दो लाइन छोड़ के लिखा इसको, वहां पे हमने एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखा था, यहां पे मैं दो लाइन छोड़ करके सैल्यूटेशन लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि सैल्यूटेशन के ठीक ऊपर वाली लाइन में, सैल्यूटेशन के ठीक ऊपर वाली लाइन में मैं सब्जेक्ट लाइन लिखूंगा। तो सर पहले वो लिखने का था ना, बाद में ये लिखते। अरे कॉमा किधर आएगा वो पता चलना चाहिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन कॉमा से स्टार्ट करना है। ये पहले लिखने का रीजन ये है कि मुझे कॉमा मिलेगी, फिर इसकी ऊपर वाली लाइन में, ठीक ऊपर वाली लाइन में सब्जेक्ट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट
एक क्या करेगा तू, दो लाइन छोड़ के पहले डियर मैडम बराबर है, कॉमा करेगा और कॉमा के ठीक ऊपर वाली लाइन में सब्जेक्ट लाइन। चलो लिखो। अब तेरे को दोनों तरीके सिखा दिए मैंने, एग्जाम में तेरे को जो ठीक लगे वो, ठीक है ना, जो ठीक लगे। अभी बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, पिछले लेटर में क्या किया था, सब्जेक्ट लाइन के बाद में था बॉडी ऑफ द लेटर, तो एक लाइन छोड़ के स्टार्ट किया था। अब यहां पर सब्जेक्ट लाइन पहले है, सैल्यूटेशन बाद में है, तो सर बॉडी फिर कहां से। देख अगर तू इसके बाद सैल्यूटेशन के बाद एक और लाइन छोड़ेगा ना, तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तकरीबन 3/4 लाइन तेरी ये वाली खाली है, फिर उसके बाद वाली लाइन तो खाली छोड़ेगा, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेगा ना, बड़ा गैप नजर आएगा। इसलिए क्या करना है, सैल्यूटेशन के बाद अगली ही लाइन में, सैल्यूटेशन के बाद इन द नेक्स्ट लाइन, यानी कि सैल्यूटेशन के बाद लाइन ना छोड़ें और ठीक कॉमा के नीचे से बॉडी स्टार्ट करें। पहला लाइन वी वी लिख तू खाली कॉमा के नीचे, फिर पैराग्राफ समझाता हूं, समझने के बाद फिर लिखना है, बाकी का तुझे पता है, लिखते लिखते मार्जिन लाइन, और बाकी की लाइन मार्जिन लाइन टू मार्जिन लाइन से, पहला लाइन कॉमा के नीचे से। ये देख इस लेटर में सेक्रेटरी आशी को बता रहा है कि हमें आपका रिन्यूअल का एप्लीकेशन मिला है, बता रहा है। क्योंकि क्या है, मैंने क्या क्या कहा था कि कंपनी को फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ता है, आशी अपना अप्रूवल कैसे देगी, एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए देगी। तो इधर सेक्रेटरी पहले पैराग्राफ में बता रहा है कि हमें आपका रिन्यूअल का एप्लीकेशन और आपका पुराना वाला जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट का सर्टिफिकेट था वो मिल गया है, और उसे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा है विचार करने के लिए और उसे मंजूरी देने के लिए। सेक्रेटरी ने क्या कहा आशी को, हमें आपका एप्लीकेशन रिन्यूअल का और आपका पुराना वाला फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मिल गया है, और ये डॉक्यूमेंट्स हमने किसके सामने रखे हैं, डायरेक्टर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। क्यों रखे हैं, खा जाएंगे क्या चटनी लगा के, नहीं, इसलिए रखे हैं ताकि वो इसके ऊपर विचार करेंगे और इसको मंजूरी देंगे। पर वी यरबाई एक्नोलेज, वी यरबाई एक्नोलेज मतलब हम स्वीकार करते हैं द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹1,00,000, इसका 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट था, फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। कितने पीरियड के लिए ये रिन्यू करना चाहती है, 2 years। अलोंग विद द एप्लीकेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन के साथ वी हैव आल्सो रिसीव्ड ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी कि इसकी जो पुरानी वाली रिसिप्ट थी ना वो भी मिल गई ओरिजिनल, FDR नंबर 4625 एंड द सेम हैज बीन प्लेस्ड, रखा गया है बिफोर द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। समझा, लिखना। पहला पैराग्राफ खत्म कर, फिर बाद में बताना हूं आगे क्या करना है।
ओवरराइडिंग नहीं, कैंसिलेशन नहीं, गलती से कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक करने की कोशिश मत करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ करके सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा कोमा के नीचे से। लिखना शुरू मत करें, पहले समझेंगे। बराबर है। पहला पैराग्राफ हो जाने के बाद एक लाइन छोड़नी है और कहां से स्टार्ट करना है? कोमा के नीचे से। पहले सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है उसको समझें। बराबर है। बट वो समझने से पहले तू एक लाइन छोड़ के द लिख दे कोमा के नीचे। एक लाइन छोड़ के कोमा के नीचे, एक लाइन छोड़ के कोमा के नीचे द, नहीं तो बाद में तू गड़बड़ करेगा, इसलिए द पहले लिखवा दिया। ठीक है। अब देख सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है, समझने की कोशिश कर। इसमें सेकंड पैराग्राफ में बताया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करके इसको फर्दर रिन्यू कर दिया है 2 साल के लिए ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी कि पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे ना, अभी भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके रिन्यू हो गया है। See, the board of directors by passing a resolution at the board meeting held on 17th March. हम लोग लेटर लिख रहे हैं, सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है 22 को। बोर्ड मीटिंग कभी हुई थी? 17 मार्च। खाली तू साल चेंज कर दे, 2020 कर उसको, 2020 कर 17th मार्च 2020 को बोर्ड मीटिंग हुई थी। Has decided to renew the deposit. देख, डिपॉजिट को रिन्यू करने का डिसाइड किया है फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 years ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। चलो सेकंड पैराग्राफ, फिर उसके बाद में बताता हूं क्या करना है।
तारीख 2020 की करना, ठीक है? गणेश, देख अभी भी तेरे पास कम से कम 4-5 लाइन तो बची है, बराबर है? काफी स्पेस है। हमारा एक और एक पैराग्राफ है, छोटा सा, एक ही लाइन का पैराग्राफ है, लेकिन स्टार्ट होगा एक लाइन छोड़ के कॉमा के नीचे से। सुन ना, तू लिखने की क्या गाय करता है, मुझे में एग्जाम है, जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। सो इधर ध्यान दे, इस लास्ट पैराग्राफ में बोला है कि इस पत्र के साथ एनक्लोज करके नया फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भेज रहे हैं, रिन्यू किया तो नया एफडीआर इस पत्र के साथ भिजवा रहे हैं। एक लाइन छोड़ के कॉमा के नीचे ए लिख, एक लाइन छोड़ के कॉमा के नीचे ए लिख, बराबर है? अब इधर देख क्या दिया हुआ है, पहले ये देख, ए डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 5925 is enclosed along with this, yes, इस पत्र के साथ enclosed किया, बराबर है? इसको लिख, फिर बताता हूं कि अगर मैं अब इसके बाद में भी कम से कम तेरे पास कम से कम में 2 लाइन होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, बराबर है? बट एटलीस्ट 2 लाइंस तो है, मिनिमम में मिनिमम भी 2 लाइन रहेगी, बराबर है? एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में थैंकिंग यू कॉमा, बराबर। अब इसके बाद जो चीज आने वाली है ना, उसमें देख, मैंने क्या बताया था, हम लोग कुछ नया नया सैल्यूटेशन पहले, सब्जेक्ट सॉरी सैल्यूटेशन बाद में, सब्जेक्ट लाइन पहले। अब इस वाले लेटर में ना, हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, लास्ट वाले लेटर में हमने सिर्फ 3 लाइन में किया था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, योर्स फेथफुली, उसके नीचे साइंड, उसके नीचे सेक्रेटरी, बराबर है? अब थोड़ा सा और डिफरेंट, भाई तेरी इच्छा हो, मेरे पास बहुत बढ़िया बना रहे, बट कंटिन्यूटी में 5 लाइन लगेगी, कितनी लाइन लगेगी, 5 लाइन, और 5 तेरे पास लाइन नहीं होगी, 4 से नहीं चलेगा, कम से कम 5, बराबर है? एक लाइन छोड़ने के बाद में 5 लाइन है तेरे पास, नहीं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अब तू क्या कर, आखिरी लाइन में अगले पेज पे जाके 2 लाइन का बॉक्स बना, 2 लाइन का, तकरीबन तुझे अब बाकी के बचे हुए के लिए 8 एक लाइन की आवश्यकता होगी, कितने लाइन की, 8 लाइन की, तो 8 लाइन का 2 साइड का बॉक्स बना, मार्जिन लाइन के साथ, पहले बना लो बॉक्स, बना लो फिर बात करो।
एग्जाम में ये सब बताने के लिए मैं उधर नहीं आने वाला हूँ कि ये चीज अगले पेज पे कर, ये चीज पहले पेज पर कर। उधर तेरे को खुद का अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा और तय करना होगा कि मैं इसी पेज पे कंटिन्यू करूं या नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं। अब हमारे यहाँ पे 2-3 लाइन बची थी, हमने वो छोड़ दी, बराबर है, क्योंकि आने वाली चीजें 5 लाइन एक साथ में आएगी, उसको हम आधा आधा नहीं छोड़ सकते। योर्स फेथफुली फॉर डायमंड इंटरनेशनल कंपनी, तू ये पेज पे करेगा और अगले पेज पे सिग्नेचर जाएगा, वो पोपट जैसा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? आधा अधूरा नहीं करना है, पोपट लाल अधूरा है, शादी नहीं हुआ देख उसका अभी तक। सो इसलिए वो एग्जाम में तू खुद डिसाइड करेगा कि भाई मुझे सेम पेज पे कंटिन्यू करना है या अगले पेज पे जाना है। भाई एग्जाम में तेरा पेपर है ना इतना फुल स्केप के साइज का, इतनी लाइनें नहीं होगी, कम लाइनें होगी। ऐसा भी हो सकता है कि तेरा थिंकिंग यू ये पेज पे ना आए, तो वो थिंकिंग यू मतलब तीसरे पैराग्राफ के बाद में थिंकिंग यू इधर लेफ्ट साइड में पहली लाइन में, और फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का काम करेगा। अब यहां पर इस पेज पे मैं क्या करने वाला हूं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली, फिर कंपनी का नाम, फिर सिग्नेचर, साइन करने वाले व्यक्ति का नाम। अब साइन करने वाला सेक्रेटरी है, अलग से क्यों सिखा रहा हूं, लाइक पिछले लेक्चर में हमने वो सिग्नेचर करने वाले का नाम नहीं लिखा था। कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि कुछ की सिग्नेचर में उनका नाम समझ में आता है, कुछ की सिग्नेचर ऐसी होती है जिसमें नाम समझ में नहीं आता। इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है ना? सो अब राइट हैंड साइड में योर्स फेथफुली इस तरह से लिखना है कि मार्जिन लाइन में आके खत्म हो जाए। नए पेज पे गए, थैंक यू तेरा पिछले पेज पे, थोड़ा दया कर मेरे ऊपर। कैसे लाइन छोड़ेगा तू, ये थैंक यू ये पेज पे है और तेरा योर फेथफुली दूसरे पेज पे है, तो लाइन किधर किधर छोड़ेगा तू? दो पेज के बीच में लाइन छोड़ सकते हैं हम लोग। Yours faithfully for Diamond नाम शॉर्ट में लिखा है देख, Diamond Inter Limited। Signed अब इसके नीचे सिग्नेचर करने वाले का नाम है, बराबर है, इसके नीचे मिस काव्या अंबानी, कुछ भी नाम हो सकता है, एक्स वाई ज़ेड, और
उसके नीचे डेजिग्नेशन, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। ये पांचों चीजें एक साथ एक के पीछे एक होनी चाहिए थी, इसलिए पिछले पेज पे नहीं करवाया, क्योंकि क्या है तू यहां तक पिछले पेज पे करे फिर नए पेज पे जाए तो वो गड़बड़ हो जाता है। अब इस पत्र के साथ में हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भेज रहे हैं, उस फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट को एनक्लोजर में मेंशन करेंगे। एनक्लोजर मैंने आपसे कहा था दो तरीके लिखने के, क्या तो हम जो चीज एनक्लोज कर रहे हैं, जैसे मैं इधर लिख दूंगा एनक्लोज फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर सो एंड सो, या दूसरा तरीका क्या है, हमने बॉडी ऑफ द लेटर में देख तीसरे पैराग्राफ में तूने लिखा है ए फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज एनक्लोज्ड, ऐसा जोर से बोला था मैंने। तो जब बॉडी में मैंने ऑलरेडी लिख लिया है तो इधर दोबारा क्यों लिखू ना कोई चीज। तो हम दूसरे तरीके से कंपनी सेक्रेटरी के बाद बराबर है नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में कंपनी सेक्रेटरी के बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में एनक्लोज्ड एज अबव, बराबर है ना, एनक्लोज्ड एज अबव। एज अबव का मतलब जानते हो, ऊपर लिखे हुए के मुताबिक, लेफ्ट साइड में है ना। और इसके बाद एक लाइन छोड़ के बॉक्स को क्लोज कर दे। नीचे का जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर देना, ठीक है। नीचे की जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर देना, अंदर की मार्जिन लाइन इरेज कर देना, और अपना फाइनल रिजल्ट देखना कि तूने क्या बनाया, ऐसा ही बना होगा तेरा। एग्जाम में जब ये इरेज करोगे ना तो आराम से हल्के हाथ से, ऐसा नहीं है तेरा आंसर शीट फट जावे, तो वो टाइम पे तू टेंस रहेगा, घबराया हुआ रहेगा, तेरे को पेपर सबमिट करना होगा, तू टेंस में रगड़ा और पता चला फाड़ दिया तो लफड़ा हो जाएगा। दिमाग को शांत रखते हुए चल बे फिनिश, दिखा दिखा कैसा बना। ये तेरा फर्स्ट पेज, थैंकिंग यू तक इधर आया, बराबर है। ये तेरा नेक्स्ट पेज, फिर मान ले थैंकिंग यू नहीं आता तो थैंकिंग यू इधर, और फिर एक लाइन छोड़ के जॉर्ज। चलो क्विकली नेक्स्ट पेज पे जाओ, अभी तेरे पास दो पेज खाली है। अगले पेज पे फॉर्मेट रेडी कर क्विकली, फॉर्मेट रेडी कर क्विकली। अगला ही एक ऐसा ही लेटर समझा करके होमवर्क में प्रिपेयर करने के लिए दूंगा, आधा तू घर पे बना के लेके आएगा अपना दिमाग यूज करते हुए, और बाकी का आधा इधर मैं समझाने के बाद बनाऊंगा। मतलब बॉडी ऑफ द लेटर मैं इधर समझाऊंगा तेरे को, बॉडी ऑफ द लेटर के पहले वाला डियर मैडम तक तू घर से बना के लाएगा, ठीक है। पेज नंबर 118
वाला लेटर हमने किया उसको टिक कर दे, 118 का किया है उसको टिक कर दे, 121 का किया है उसको भी टिक कर दे, ये दो लेटर हो गए हमारे। अब आ जा 110 पेज नंबर 110। हाँ बॉक्स रेडी कर, बता रहा हूं क्या करना है। टू लाइन छोड़ के बॉक्स बना, ठीक है। दो लाइन छोड़ के तीन साइड का बॉक्स, मार्जिन लाइन, सेंटर लाइन बॉक्स के अंदर, दूसरी लाइन में सेंटर लाइन, कितना बन जाए तो बोलना, तो समझाता हूं क्या करना है।